चलिए बात मंदसौर जिले की करेंगे। आपको बता दें कि पर भानपुरा थाना क्षेत्र में कलयुगी मां ने पैसों के लालच में बेटी को ही विधवा कर दिया है। कलयुगी मां ने बेटी की दूसरी शादी करवाकर रुपए वसूलना चाहती थी और मामला भानपुरा थाना क्षेत्र का है। टीआई अवनीश श्रीवास्तव ने बताया कि 19 जुलाई को कोटडी टैंक गाँव के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति की यहाँ पर नरकंकाल अवस्था में मिला है। और आपको बता दें कि मृतक की पहचान सूरजमल के रूप में हुई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासे हुए। पुलिस ने यहाँ पर बताया कि मृतक की पत्नी लाडबाई को उसकी मां कैलाशबाई नतारे दूसरी शादी करके रुपए कमाना चाहती थी। मां कैलाशीबाई ने यहाँ पर उसके दो बेटों और साथी साढ़ू और सामराज सभी ने यहाँ पर 11 जुलाई की शाम को मृतक सूरजमल को अपने बड़ौदिया गांव से यहां पर पार्टी करने के बहाने घर पर बुलाया। इसके बाद मृतक की सासू और साथी दो बेटों और साधु ने यहां पर सभी ने मिलकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर शव को जंगल में झाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस ने चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की तरफ से घटना के एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और जबकि तीन आरोपी अभी भी फरार हैं। मर्ग जांच के दौरान जो साक्ष्य मिले उनसे बाद में ये पता लगा कि सूरजमल की सास कैलाशीबाई और उसके साढ़ू सांवरा, कैलाशीबाई के दो लड़के यानी सूरजमल के दो साले भंवरलाल और रामलाल, ये लोग इसकी हत्या में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हत्या पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपराध 302 का दर्ज किया है। 302, 201, 120 बी और 34 भादवी का दर्ज किया है।